हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम एविद्याती जॉर्ज इन। अब हम अपनी बिहाई बुक की सेकंड पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है विंड। तो अब हमारे पास कोई भी पोएम होगी तो पहले मैं आपको उस पोएम की समरी बताऊंगी एंड देन हम पोएम को लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग देखते हुए चलेंगे। उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है और पूरी लाइन का क्या मतलब निकल के आ रहा है वो हम समझेंगे। सो समरी स्टार्ट करने से पहले, ये जो पोएम है ये एक्चुअल में तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओरिजिनली जो ये लिखी गई थी वो तमिल लैंग्वेज में थी, बाय सुब्रमण्य भारती। इन्होंने ये तमिल लैंग्वेज में इस पोएम को लिखा था। देन उसके बाद ए के रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो जो हम बुक पर जो अब हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो इनकी ट्रांसलेटेड पोएम है। ओके, सो बेसिकली अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी यहाँ समरी में कि पोएम में क्या क्या चीजें हैं, वो जब हम पोएम की वो लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे जो पोएट है वो विंड से बातें कर रहा है। विंड वी ऑल नो क्या होता है, तो वो उस विंड से बातें कर रहा है और उस विंड को बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब वो इस डिस्ट्रक्टिव क्यों उसे बोल रहा है, वो बेसिकली हमारी जो लाइफ की एडवर्सिटीज है, मतलब जो लाइफ में हम हार्डशिप्स फेस करते हैं उससे उसको कंपेयर करें कि जैसे लाइफ में आपको चैलेंजेस आते रहते हैं और वो उसमें जो वीक लोग है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं लेकिन जो स्ट्रांग है वो उससे और स्ट्रांगर बन के आगे आते हैं। तो वो यही हमें इस पोएम में बताएंगे एंड देन उसके बाद वो बताएंगे कि ना कि हमें सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, फिजिकली स्ट्रांग बनाना है फेस करने के लिए, जैसे हमें विंड को फेस करने के लिए बनाना है, उसी तरह से लाइफ की जो हार्डशिप्स है उसको फेस करने के लिए खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बनाना, हमें अपने चैलेंजेस को बीफ्रेंड कर देना चाहिए। बीफ्रेंड कर देने का मतलब है कि उसे अपना दोस्त समझना चाहिए और एक बार जब हम उसे अपना फ्रेंड समझेंगे तो वो हमें चैलेंजेस इतने मुश्किल नहीं लगेंगे, हमें उसकी हैबिट हो जाएगी और आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। सो अब देखते हैं, ये तो है कि उसका लिटरल मीनिंग कैसे उन्होंने रिलेट किया है, अब हम देखते हैं कि पोएम में क्या क्या बातें की गई है। So now we are going to read the poem line by line और उसका meaning देखते हैं। So wind comes softly, don't break the shutters of the window। So यहाँ पे जो poet है वो wind से conversation कर रहा है, wind से बात कर रहा है और wind को कह रहा है to come softly। Softly आने का क्या मतलब है, to come slowly और be subtle। Don't break the shutters of the window। Window के जो shutters है उसको break मत करो। Don't scatter the papers। Scatter मतलब होता है फैलाना, तो जो papers पड़े हैं उनको मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन दी शेल्फ, शेल्फ पे जो बुक्स पड़ी है उसको मत गिराओ। तो बेसिकली वो इन लाइंस में विंड की पावर को बता रहे कि विंड कितनी पावरफुल है, पेपर्स को फैला सकती है, विंडो के जो शटर्स हैं उसको तोड़ सकती है, शेल्फ पे जो बुक्स पड़ी है वो सब गिरा सकती है। तो वो विंड से रिक्वेस्ट करे कि प्लीज ये सब मत करो। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने वो सब नीचे गिरा दिया। तो ये सारी कन्वर्सेशन विंड से हो रही है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट द रेन अगेन, सो बोल रहे तुमने बुक के जो पेजेस हैं उनको फाड़ दिया है और देखो तुम फिर से बारिश को ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ एंड वीकलिंग का मतलब है वीक थिंग। तो वो बोल रहा है विंड को कि तुम बहुत समझदार हो जो वीक चीजें हैं उसका मजाक उड़ाने में, उसका फन करने में। वाई, बिकॉज ये माना जाता है जब विंड ब्लो हो रही है तो जो वीक चीजें हैं वही डिस्टर्ब होंगी। अगर जैसे पीस ऑफ पेपर्स पड़े हैं तो अगर बहुत तेज हवा जाएगी तो वो पेजेस उड़ जाएंगे, वही अगर उन पेजेस पे कोई भारी चीज पड़ी हुई है तो वो पेजेस नहीं उड़ते। मतलब जब तक कोई चीज वीक है तो तुम उसका फायदा उठाते हो या उसका फन मनाते हो। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। तो ये अब उन weak चीजों को बता रहे। Frail मतलब होता है weak, जैसे कि और crumbling होता है breaking और falling apart। तो क्या क्या चीजें break या fall apart हो रही हैं? Houses मतलब जो weak houses हैं, जो doors हैं मतलब दरवाजे वगैरह जो weak है उसकी बात हो रही है, rafters, then wood, बॉडीज, बॉडीज मतलब ह्यूमन बॉडीज, लाइफ एंड हार्ट्स, तो जितनी भी वीक चीजें हैं उन सबका तुम मजाक उड़ाते हो या उन वीकलिंग्स का तुम फायदा उठाते हो। सो नाउ इसके आगे की जो पोएम है कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू द पोएम।
आगे वो बोलते हैं द विंड गॉड विनोइज एंड क्रशेस देम ऑल. सो ये किसकी बात हो रही है, किसको क्रश करने की बात हो रही है, अभी इससे पहले जो हम वो क्रम्बलिंग डोर्स राफ्टर्स और वो सब पढ़े थे उसकी बात हो रही है. विनोइज, विनोइज बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम ग्रेन्स और शाफ को सेपरेट करते हैं. आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक इमेज अप्लाई करी है, इस इमेज से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं. तो ये होता है प्रोसेस ऑफ विनोइंग. तो वो बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे ग्रेन और शाफ को अलग किया जाता है, उसी तरह से जो विंड गॉड है, मतलब विंड को वो विंड गॉड बोल रहे हैं, वो भी ऐसे इसी मेथड से अलग करते हैं वीक चीजों को और स्ट्रॉन्ग चीजों को, और जो वीक चीजें हैं उसको क्रश कर देते हैं, एंड क्रशेस देम ऑल, उसको क्रश कर देते हैं. अब यहां तक जो है ये तो विंड से बात कर रहा था पोएट. अब आगे की लाइंस में पोएट रीडर से बात कर रहा है. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो विंड वो नहीं करेगी जो हम उसे कहेंगे करने के लिए. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो विंड तो हमारी बात नहीं सुन रही कि वो डोर्स ना तोड़े, वो ये ना करे, शटर्स ना तोड़े, तो वो तो हमारी बात नहीं सुन रही. हम क्या कर सकते हैं, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, ज्वाइन मीन्स क्लोज, अपने जो घर के डोर्स हैं उनको फर्मली क्लोज करो, फर्मली मीन्स मजबूती से. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ अगेंस्ट द विंड. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट अगेन मीन्स टू बी फर्म. Do this and the wind will be friends with us. ऐसा करो और फिर वो विंड जो आज हमें इतना डिस्ट्रक्टिव लग रहा है वो हमें ऐसा नहीं लगेगा, वो हमें चैलेंज की तरह नहीं लगेगा. The wind blows out weak fire, he makes strong fires roar and flourish. और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि जो विंड है अगर हल्की सी कहीं पे आग लगी हुई है, मींस दी वीक फायर, तो जब हवा चलती है तो वो बहुत ज्यादा, जैसे सिंपल सा है, अगर आप एक माचिस की तिल्ली जलाते हो तो जैसे ही हवा आएगी तो वो माचिस की तिल्ली को बुझा देगा. लेकिन ही मेक्स दी स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. रोर होता है बेसिकली जो शेर की आवाज होती है उसको रोर करना बोलते, तो यहाँ पे रिलेट किया उसको वाइल्ड से, एंड फ्लरिश मीन्स टू ग्रो. और जो स्ट्रॉन्ग फायर होते हैं, अब जहां पे बॉर्न फायर वगैरह होता है उस जगह पे जब हवा चलती है तो वो जो बॉर्न फायर है वो और ज्यादा आग पकड़ता है ना. सो वो बता रहे हैं कि जो विंड है वो वीक फायर को ब्लो कर देती है, बुझा देती है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको वो फ्लरिश करती है, मतलब ग्रो करने में हेल्प करती है. हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है. ही वी प्रेज हिम एवरी डे, और अगर एक बार हम उसे बीफ्रेंड कर लेंगे तो हम उसे प्रेस करेंगे. जैसे कि अब हमें पता है वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर कहीं पे विंड ब्लो हो रही है, अगर सॉफ्टली विंड ब्लो हो रही है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, अगर बालकनी में आप खड़े हो और हवा चल रही है, बिकॉज पता है हमें कि वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है. सो अगर हम उससे बीफ्रेंड हो जाएंगे तो हमें वो अच्छी लगेगी और हम उसे प्रेस करेंगे. ओके सो ये थी पूरी पोयम. यहाँ पे पोयम हमने लाइन टू लाइन भी पढ़ ली, जो इसका डीप मीनिंग है वो हमने समरी में देख लिया. सो आई होप आप जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू चैप्टर्स. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.